हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है कि हम जिस भी टॉपिक की वीडियोस बनाते हैं, जिस भी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, उस टॉपिक के अंत में उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने भारतीय संविधान के स्रोत टॉपिक पर दो वीडियो बनाई थी और उसके बाद जब टॉपिक फिनिश हो गया, दो वीडियोज उस पर पूरी हो गई, तो उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, यानी ये कहाँ से लिया गया कि भारत के संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था, यानी भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से यह प्रावधान हमने भारत के संविधान में लिया कि भारत के संविधान की भी एक प्रस्तावना होगी। भारत के संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा थी, वो भाषा हमने किसी दूसरे अन्य देश के संविधान से ली गई, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा ली है। यानी भारतीय भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, इसका आंसर हो गया अमेरिका के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन यदि क्वेश्चन इस तरह से हो कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान कहां से लिया गया, तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सबसे सर्वोच्च कौन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसके आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च, यहां पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है, इसका आंसर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है, संविधान। यानी संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च होता है और संविधान में दिए गए प्रावधानों के आधार पर, संविधान में दी गई शक्तियों के आधार पर, संविधान में दिए गए अनुच्छेदों के आधार पर ही किसी भी प्रशासन का या सरकार का अंग, कोई भी अंग उससे शक्ति ग्रहण करता है और शासन चलाने में सक्षम होता है। तो संविधान से ज्यादा सर्वोच्च किसी भी शासन व्यवस्था में कोई अन्य, ना तो सरकार होती है, ना सरकार की कोई एजेंसी होती है, ना सरकार का कोई अंग होता है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे सर्वोच्च संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान को माना गया है। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई। यानी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई, तो इसका आंसर है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई। यानी अमेरिका, अमेरिका के संविधान से ली गई, इसका मतलब है कि अमेरिका के संविधान में भी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है और ये न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान हमने भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भारत के संविधान में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना दी हुई है। इसका तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत या 32 के तहत किसी भी कानून की समीक्षा करेगा। विधान पालिका ने कोई ऐसा कानून बनाया है या कार्यपालिका ने कोई ऐसा आदेश दिया है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, और ऐसा ही हाईकोर्ट, किसी भी राज्य का जो उच्च न्यायालय है, वो संविधान की धारा या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विधान पालिका के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को और कार्यपालिका के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की जांच करेगा कि यदि वे आदेश संविधान के अनुच्छेदों या संविधान के प्रावधानों या संविधान में दी गई व्यवस्था के विपरीत है, खिलाफ है, तो उसको
न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसका निरीक्षण करके उस पर जुडिशियल रिव्यू करके न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत उस आदेश को जो कार्यपालिका ने दिया है संविधान के विरुद्ध है या विधान पालिका ने जो कानून बनाया है संविधान के विरुद्ध है उसको रद्द घोषित कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर ये प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, यानी भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर है भारत की संघात्मक व्यवस्था कैनेडा के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से? कैनेडा के संविधान से, क्योंकि कैनेडा में भी संघात्मक व्यवस्था है और कैनेडा में ये रखा गया है कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, शक्तिशाली केंद्र या सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कैनेडा के संविधान में है। तो कैनेडा के संविधान से यह व्यवस्था हमने भारत के संविधान में भी ली और भारत एक संघ है, भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही ये लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में भी कैनेडा के संविधान की तरह शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, एक केंद्र सरकार है और फिर राज्य सरकारें हैं। उसमें संविधान की 7वीं अनुसूची के द्वारा, यानी संविधान की सातवीं अनुसूची के द्वारा ये बंटवारा किया गया है। यानी 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं वो संघ सूची में दिए गए हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में दिए गए वैसे स्थानीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। और समवर्ती सूची में कानून दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को होता है। लेकिन यदि दोनों सरकारों ने एक विषय पर कानून बना दिया और कोई मतभेद पैदा हो जाता है, गतिरोध पैदा हो जाता है, तो संघ सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को महत्व दिया जाता है। तो ये संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली? कनाडा के संविधान से ली। नंबर 5, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, यानी भारत के संविधान में जो सम्मिलित की गई है कौन सी सूची? समवर्ती सूची। अभी मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जो विषय संघ सूची में और राज्य सूची में नहीं दिए हुए, और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर दोनों ही सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। राज्य सरकार भी इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती हैं और संघ केंद्र सरकार भी या संघ सरकार भी कानून बना सकती हैं। लेकिन गतिरोध पैदा हो जाए तो केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। बात आती है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित ये जो समवर्ती सूची सम्मिलित की गई है भारत के संविधान में, ये किस देश के संविधान की देन है या किस देश की देन है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान को ध्यान में रखकर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को ध्यान में रखकर भारत के संविधान में समवर्ती सूची का समावेश किया गया, समवर्ती सूची को सम्मिलित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित होकर रखे गए, यानी भारतीय संविधान में जो राजनीति के निदेशक सिद्धांत रखे गए थे वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर रखे गए? संविधान राजनीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित होकर रखे गए? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व देश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर रखे गए? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर रखे गए। यानी आयरलैंड में राजनीति के निदेशक तत्वों का तत्व रखे गए हैं, तो उसी के आधार पर राजनीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान भी भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर रखा गया था। यानी राजनीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर रखे गए थे। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान के हमारे जो संविधान में
जो ये राजनीति के निदेशक सिद्धांत रखे गए हैं, तो ये भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग चार में अनुच्छेद कहां से कहां तक, 36 से लेकर 51 तक दिए हुए हैं राजनीति के निदेशक तत्वों के द्वारा। सरकार भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है। संविधान सभा ने इन राजनीति के निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में इसलिए समावेशित किया था, इसलिए रखा था कि ताकि आगे आने वाले समय में या भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई, यानी संसदीय शासन प्रणाली, जैसा कि आपको विदित है कि एक देश ऐसा है जिसको संसदीय शासन प्रणाली या संसद की जननी कहा जाता है, तो वह देश कौन सा है, ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई। हमारे यहाँ पर भारत के संविधान में, भारतीय के संविधान में जो संसद का प्रावधान किया गया है, वो संसद का प्रावधान और संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से किया गया। संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका और विधानपालिका का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका का निर्माण विधानपालिका में से ही किया जाता है और कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऐसी व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ये संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, राज्यसभा का जब गठन किया जाता है तो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे, यानी राज्यसभा का जब गठन होता है तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा को, अनुभव को और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 ऐसे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो सदस्य कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। ऐसे 12 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। जैसे सर क्या हो गया, किस देश के संविधान से हमने यह प्रावधान लिया, हमने यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ही लिया। किस देश के संविधान से लिया, आयरलैंड के संविधान से, यानी हमने यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से रखी कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को, जो व्यक्ति कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में से 12 ऐसे व्यक्ति राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वह भारत के किस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत ये बातें रखी जाती है। और इनको नियुक्त कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्य लोग राज्यसभा में ऐसे मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। पूर्व सोवियत संघ में मौलिक कर्तव्य दिए हुए थे, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था, जो संविधान सभा ने जो संविधान बनाया तो उस समय मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में नहीं रखा हुआ था, यानी मौलिक कर्तव्य मूल भारतीय संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, यानी मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए, जब संविधान बना था तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश
किया जाए। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, यानी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यानी एक और जोड़ दिया। और अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शिक्षा का मौलिक कर्तव्य कब जोड़ दिया गया था? 2002 में 86 के द्वारा जोड़ दिया गया। वैसे ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग यानी किस भाग में है? ये है, ये भाग 4A यानी 4A में। और अनुच्छेद कौन सी है? अनुच्छेद 51A में दिए हुए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अब 11 है मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान या मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया। और जब ये 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का मौलिक कर्तव्य इसमें और जोड़ दिया गया। अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 4A में, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का समावेश है, मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में सन्निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यानी किसकी अवधारणा? मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका आंसर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से की गई है? अमेरिकी संविधान से, यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। मौलिक अधिकारों के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से मौलिक अधिकारों के प्रावधान उनके आधार पर, उनसे प्रभावित होकर भारतीय संविधान में रखे हैं। तो मौलिक अधिकारों का समावेश भारतीय संविधान के, यानी संविधान के भाग किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। और ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में हैं। तो ये इनका प्रावधान कहां से लिया, ये अवधारणा कहां से ग्रहण की? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 11, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? यानी लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि दुनिया में या विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो वो संविधान भी अमेरिका के संविधान, यानी अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान था। यानी अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान था। अमेरिका के संविधान को 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा बनाया गया और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू किया गया था। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, यानी कितने अनुच्छेद हैं? केवल सात अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। थोड़ी सी देर में इसे पढ़ा जा सकता है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान है और सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि दुनिया में लिखित संविधान जो परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर, न्यायिक निर्णयों पर, रूढ़ियों पर आधारित है, वो किस देश का संविधान है? वो ब्रिटेन का संविधान है। तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से हुआ। और अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से अपनाई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित होकर या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई? तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया की अवधारणा है, हमने कहां से अपनाई? जापान के संविधान से हमने इसको अपनाया। यानी किस देश के संविधान से? जापान के संविधान से। इसका तात्पर्य है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के भाग
के भाग तीन तीन में अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है, 21 में, यानी भाग तीन अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान में दिया हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात या प्रावधान दिया हुआ है। इसका तात्पर्य है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके ही कोई सरकार किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में भाग तीन अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। और यह प्रावधान हमने कहाँ से लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा हमने किस देश के संविधान से अपनाई? जापान के संविधान से अपनाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, संघीय न्यायालय का प्रावधान हमने कहां से लिया, किस संविधान से लिया? तो संघीय न्यायालय का प्रावधान हमने कहां से लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाया। यानी संघीय न्यायालय का प्रावधान कहां से अपनाया? भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाया। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों से प्रभावित होकर हमने संघीय न्यायालय की व्यवस्था की। भारत में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया हुआ है और वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, गणराज्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? गणराज्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो इसका आंसर है फ्रांस के संविधान से। यानी गणराज्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? फ्रांस के संविधान से। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में गणराज्य की अवधारणा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये कहा गया है कि भारत एक गणराज्य है और गणराज्य की अवधारणा कहाँ से ली गई? फ्रांस के संविधान से ली गई। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य को रिपब्लिक कहते हैं। गणराज्य को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। और ये रिपब्लिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है? गणराज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन का मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता है। तो ये गणराज्य की अवधारणा हमने किस देश के संविधान से ली? फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 15, वित्तीय आपात की अवधारणा अपनाई गई, यानी वित्तीय आपात की अवधारणा कहां से अपनाई गई? तो इसका आंसर है, वित्तीय आपात की अवधारणा अमेरिका के संविधान से अपनाई गई। अमेरिका यानी किस देश के संविधान से प्रभावित होकर हमने वित्तीय आपात की अवधारणा अपनाई? अमेरिका के संविधान से हमने वित्तीय आपात की अवधारणा को अपनाया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है। यानी वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपातकाल की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में और किस देश के संविधान से अपनाई? अमेरिका के संविधान से हमने इसको अपनाया। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 360 के द्वारा अपनाई गई है। तो ये हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर यह प्रावधान भारतीय संविधान में रखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार किस देश से लिया गया? यानी उच्चतम न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उसे ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो इसका जो परामर्शी अधिकार है, परामर्श देने का अधिकार, सलाह देने का अधिकार, वो किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। यानी उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो अधिकार है किस देश से लिया गया? कनाडा के संविधान से। उस भारतीय संविधान में भी उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी अधिकार है वो दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 143 संविधान के अनुच्छेद 143 में ये बातें दी हुई हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगे तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा। तो ये किस
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है, 143 के तहत, और ये हमने प्रावधान किस देश के संविधान से लिया, कनाडा के संविधान से लिया। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विषय, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विषय, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए, भारतीय संविधान में रखा, यानी किस देश के संविधान से प्रभावित होकर ये हमने भारतीय संविधान में रखा, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रावधान हमने भारतीय संविधान में रखा। भारतीय संविधान में हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रावधान लिया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि भारतीय संसद के दो सदन, ऊपरी सदन राज्यसभा और निचला सदन लोकसभा, यदि कोई कानून, कोई बिल एक सदन में पास हो जाता है, दूसरे सदन में जाता है, और वह साधारण बिल है, साधारण विधेयक है, तो एक सदन उसे पास नहीं करता है, उसमें संशोधन की बात कहता है, या उसे ऐसे ही पड़ा रहने देता है और 6 महीने का समय निकल जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए और उस पर विचार विमर्श हो। ये जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, संविधान में संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यानी भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, क्योंकि जब संविधान बनता है तो परिस्थितियां कुछ और तरह की होती हैं, परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ संविधान को भी हमें बदलना पड़ता है, संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है, इसे ही संविधान का संशोधन कहा जाता है। तो भारत में संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई, कहाँ से ली गई, तो ये व्यवस्था, इसका आंसर है भारत के संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये प्रावधान हमने भारत के संविधान में रखा कि भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में क्या किया गया है? संशोधन की व्यवस्था की गई है। किस भाग के अंतर्गत? भाग 20 के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। और भारत में संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने अपनाई। क्वेश्चन नंबर 19, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर रखा गया, किस देश के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अपनाया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अपनाया गया, और भारत में भी लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित होकर रखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा। देखो ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने किस देश के संविधान से ली, पहला ही क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान से ली। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। इसका आंसर हो गया किस देश से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा अपनाई, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को हमने
लिया। क्वेश्चन नंबर 21, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहेंगी, यह किस संविधान से लिया गया? यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहेंगी, कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहेंगी, अवशिष्ट शक्तियां रहेंगी, यह किस संविधान से लिया गया? यानी ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से प्रभावित होकर रखा? यह प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर रखा। कनाडा के संविधान में ये दिया हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियां, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जो ना तो संघ सूची में जिनका वर्णन है, ना राज्य सूची में जिनका वर्णन है, ना संवर्ती सूची में जिनका वर्णन है। इन तीनों सूचियों में से जो शक्तियां रह गई हैं, जो विषय रह गए हैं, वो विषय अवशिष्ट विषय हैं या वो शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां हैं, उन्हें ही शेष शक्तियां या शेष विषय कह देते हैं। और ये केंद्र सरकार के पास है, यानी कनाडा के संविधान में भी केंद्र सरकार के पास है और भारत के संविधान में भी केंद्र सरकार के पास है। इसीलिए कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान है, और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान भी हमने किस देश के संविधान से लिया? कनाडा के संविधान से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था, यानी आपातकाल जब देश में लागू हो जाए तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, तो ये निलंबन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो ये हमने भारतीय संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने किस देश के संविधान से ली गई ये व्यवस्था ली? जर्मनी, जर्मनी के वाइमर संविधान से ये व्यवस्था हमने ली। जर्मनी के वाइमर संविधान से इस व्यवस्था को हमने अपनाया। यानी देश में तीन तरह से आपातकाल की व्यवस्था लागू होती है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, और वो तीन तरह से कैसे? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर उस राज्य का राज्यपाल लिखित में राष्ट्रपति को इस बात से अवगत कराए कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, संविधानों के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होगी। तो ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा केवल हम जब ये देखते हैं तो ये हमने अमेरिका के संविधान से अपनाई, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, तो यह प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया। जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रभावित होकर हमने ये प्रावधान भारतीय संविधान में रखा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति पर महाभियोग का विचार किस संविधान से लिया गया? यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए, यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस पर महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यह महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया? अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया। यानी महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का विचार किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से यह प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने रखा। यानी किस देश के संविधान से प्रभावित होकर? अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर इस प्रावधान को भारतीय संविधान में रखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एकल नागरिकता किस देश के संविधान की देन है? एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का मतलब है कि एक देश को कितने ही भागों में बांट दें, कितने ही राज्यों में बांट दिया जाए, लेकिन उस देश का नागरिक केवल एक नागरिकता रखता है। जैसे भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है, तो एक व्यक्ति चाहे हरियाणा का रहने वाला हो, चाहे राजस्थान का रहने वाला हो, चाहे बंगाल का रहने वाला हो, चाहे केरल का रहने वाला है या तमिलनाडु का रहने वाला है, उसको हम अलग अलग राज्यों के नागरिकता के आधार पर नहीं उसका मूल्यांकन कर सकते, उसकी पहचान नहीं कर सकते, वो भारत का ही नागरिक माना जाएगा, इसलिए उसे एकल नागरिकता कहते हैं, एकहरी नागरिकता कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान से हमने इस चीज को अपनाया, यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या अपनाया? एकल नागरिकता का प्रावधान।
हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया। भारत के संविधान के भाग दो में, भारत के संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया हुआ है, और इसका तात्पर्य यह है कि भारत में एकल नागरिकता है, हम सभी अपने अपने राज्यों के नागरिक न होकर केवल भारत के नागरिक हैं, केवल देश के नागरिक हैं। यह प्रावधान हमें ब्रिटेन के संविधान से अपनाया। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव किस संविधान का रहा, यानी जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के बनाने में संविधान सभा के सदस्य या संविधान निर्माताओं पर सबसे अधिक प्रभाव किस देश के संविधान का पड़ा, तो किस देश के संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। यानी किस देश के संविधान का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो थोड़ा बहुत परिवर्तित करके, उनमें संशोधन करके, परिवर्तन करके, या ज्यों की त्यों भारतीय संविधान में उनको रखा गया है, भारतीय संविधान में उनको अपनाया गया है। एक पंजाब राय देशमुख नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, पंजाब राय देशमुख नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 ही है, केवल इसमें वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है, वयस्क मताधिकार को इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम में वयस्क मताधिकार का प्रावधान नहीं था। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केवल भारत के 14% नागरिकों को ही मत देने का अधिकार था, लेकिन भारत का संविधान जब बना तो भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रावधान को भारतीय संविधान में रखा।